क्या कर रहा है? तो हम लोग अब वापस से कहीं ना कहीं जा रहे हैं। होप करता हूँ पहले वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा जो पहले संडे आया है, क्योंकि उसी टाइम यही कपड़े थे और वही दिन है जो अभी तक चल रहा है। और अभी हम जा रहे हैं कहीं, वेग सिंह सौरभ सब साथ में, और पड़ोस में शादी है किसी की। फिर देख मेरे झटके। एक ही है और क्या। एक ही है किको मारे। हाँ भाई की करा आज के अल्ले कुल दरा चल रहा है। हम लोग जा रहे हैं, तुम जाओ वो दो। ये अभी किक किक लगा रहा था स्कूटी में, पकड़ा गया अभी। ये बहुत अमीर आदमी, पता नहीं आप लोगों को। जैसलमेर का अंबानी। रोड ट्रिप बिगिंस। बाइक पर जा रहे मैं और मेरे भैया, बड़े भैया सौरभ भैया। क्या नंबर है? नहीं कौन कर अभी गाड़ी चेंज कर दी है मैंने वेग सिंह के साथ में। चश्मा वो तो बोला, चश्मा मेरे को दे दे, चश्मा मेरा पक्ष मालूम है आप लोगों को भी कैसा लगता है मेरे को। टिकट का टुकड़ा है बस यही है कि संडे से पहले बोलना है आप लोगों को। पुलिस लाइन गाड़ी करो और गाड़ी पुलिस लाइन करो और गाड़ी। प्रोग्राम हो रहा है एक गाड़ी पे जाए हम लोग। ये थी गाड़ी करनी एक ही खड़ी करनी है कुलदरा। एक गाड़ी पे कुलदरा लाके वापस आएंगे यहाँ पे, ये गाड़ी लेके निकलेंगे। आगे कहीं कौन गाड़ी रे? आगे कहीं कौन है की? अरे कौन वाला आटा कहने की तन्ना कौन है स्कूटी रे? आगे कहीं कौन है की? देखो भी आगे मन्ना की था घटियो की मैं तो कहीं घटियो एमवे घटियो मार ला रही कंजे कहीं तो अपा देख। एक बुराई करता हूँ मैं आपसे। सीट इसकी बहुत गंदी सीट है सिंगल पर्सन। अगर अगर आप शादी कर रहे हो और आपको अपनी वाइफ को घुमाना है तो अपा दे ले लो, क्योंकि दो जने बैठ सकते हैं। अगर तीसरा बैठ गया और वो भी आदमी तो मत बैठो। मेरा हाल हो रहा है, मेरे को मालूम है क्या हाल हो रहा है। ऐसा रोनिया गाना लगा है एडा गाना ही सुनी तू। तो तारे गाना सुन रहा हूँ। ओके कैमरा भी चलिए हाथ में।
आके भीड़ डाल रहा आके घने तो है लेकिन दिखे को नहीं है कई बात है वो क्या हो रही है केत रहो छोटा सो आप रिश्ते होते हैं यार कहीं को नहीं हम लोग आए कुलदरा ब्लॉग बना दे हम लोग कुलदरा आए और बिना एंट्री के आए 50 रुपए भी नहीं दिए वो मांग रहे हैं हमसे वापस जाएंगे पकड़ लेंगे हम लोगों को क्योंकि हम लोग विदेशी लग रहे हैं अभी ये लोग मेरा फोटो शूट करेंगे ये कुलदरा गांव है कुलदरा ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर भूत वगैरह होते हैं 6 बजे के बाद में दिखते भी है पर काफी लोग हैं मेरे दोस्त हैं जो यहाँ पर गोठ वगैरह भी करते हैं वो कहते हैं नहीं है भूत तो कुछ कह नहीं सकते अभी एक एपिसोड भी बना हुआ है भूतों के नाटक के ऊपर मतलब यहाँ पर कुलदरा का सीआईडी वाला भी जीता ओ गोवा तो सोनी मत है बनोड़ो तो है वो आहट आहट है तो के कोई भूतों नाटक है तो आहट भी है पर फिल्म भी बनोड़ी ये पोज पोज मारो मैं नाली देती है भाई साहब फोटोग्राफी कर रहे हैं हाँ सोमोजे सोमोजे इधर देखो इधर देख लिया फोटो खींचते रुक जा नहीं नहीं मेरे को शौक नहीं है वो काकी जावे पराग दिस इज पराग वही के दाल बादल वाला हाँ ऐसे तो कुलदरा विलेज के अंदर एकदम आ गए हम लोग भूतों का विलेज कहते हैं यहाँ पर पूछेंगे यहाँ पर किसी को ये भूतों का विलेज है या नहीं अभी मैं पक्का नहीं कह सकता क्योंकि मैंने कभी भूत देखा नहीं ना इधर देखा नहीं फिर भी डर लगता है हाँ देखा नहीं फिर भी डर लगता है पता नहीं क्या है क्योंकि सुना हुआ है ना इतने लोगों के मुंह से कि यहाँ पर भूत है तो थोड़ा डर लगता है स्लो मोशन वन सेकेंड वेट बारिश का मौसम हो गया है काले बादल आ गए सौरभ भैया बेबी कोस्ट विलेज कुलदरा पूरा खंडर खंडर है भूत वगैरह यहाँ पर सावधान रहो आप चालू हो चुका है नहीं चालू ही तो है चालू ही है सौरभ भैया फोटो शूट कर रहे हैं मेघ सिंह का आहा बोझ है बोझ बेइज्जती क्या है आराम से एटीट्यूड वाला बोझ एटीट्यूड चुप नहीं लग जाएगा बार बार कुछ न कुछ आवाज आ रही है और मेरे को डर लग रहा है पता नहीं क्या हो रहा है अंदर इधर तो हम लोग यहाँ पर हम लोग आए थे कुलदरा तो नेडू माई गाँव हाँ बस बस हम लोग आए थे कुलदरा फोटो शूट करने के लिए और लोग कहते हैं कि यहाँ पर भूत है गांव में नहीं मतलब एक जगह है वहाँ पर है पूरे गांव में भूत नहीं है पर मैं श्योर होकर नहीं कह सकता कि यहाँ पर भूत है आपको अगर लगता है भूत है तो मेरे को कमेंट करके बताओ अगर आप यहाँ पर रात में रुके हो तो मेरे को कमेंट करके बताओ यहाँ पर भूत है या नहीं है ठीक है घर पे जाके मिलते हैं या रास्ते में मिलेंगे सॉरी फॉर कट लेकिन मैं यहाँ पर मेरे थॉट्स आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस गांव के बारे में क्या सोचता हूँ तो
मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे उम्र के जो लड़के हैं वो यहाँ पर पार्टीज करते हैं इस गांव में, इस पॉइंट पर काफ़ी बार, इस पॉइंट पर करते नहीं करते वो नहीं मालूम, लेकिन पार्टीज करते हैं इस गांव में, वो भी रात के 3-3 बजे, या तो पूरी रात रात पूरी रात भर पार्टी करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अब ये पॉइंट, ये जो जगह है, ये एक टूरिस्ट पॉइंट बन चुका है, और इधर भूत वगैरह मेरे को नहीं लगता होगा, क्योंकि ये मेरी सोच है, आपकी सोच पता नहीं क्या होगी, बाकी मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पर भूत है, क्योंकि रात को इतनी देर पार्टीज करते हैं लड़के, तो उनको तो भूत दिखते नहीं, कहेगा भूत है, अब भूत भूत ऐसे करके रखा था इस गांव को, भूत वगैरह उधर कोई भूत नहीं है, कुछ नहीं है, टूरिस्ट पॉइंट बन चुका है अब कुछ नहीं। फोटो शूट के लिए गए थे हम भी कोई भूत देखने ले गए थे। अभी तक कमेंट नहीं किया आप लोगों ने, कमेंट करो जल्दी से जाओ। और रास्ता देखो, अब रुमाल बांध लिया, बंद करें नहीं पड़ी रहे चालू की है, मेमोरी घनी पड़ी फ्री है, कितनी 64 GB फ्री है, मेमोरी कार्ड अलग चला गया, व्लॉग वास्ते अलग है, सिम मत निकाले, सिम अगर निकाले एक सिम, अच्छा जी वो सिस्टम है वो लगा है, ये मेमोरी कार्ड भेड़ो है काकू गया रहा ओ बैठा काकू गाइड करे बड़ा हूं ते मन खाना। यहां पर जो गेट पर सिक्योरिटी वाले बैठते हैं उनको हम चकमा दे के आ गए, पीछे से बोला रहे थे हम लोग आओ आओ आओ, देखो हम टूरिस्ट लोग हैं नहीं, हम जैसलमेर वाले हैं, जैसलमेर वाले हमसे पैसे लेंगे यार, हम जैसलमेर के हैं, कुत्तो 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 है। थैंक यू बोलना चाहिए पुलिस वाले अंकल को, क्योंकि उन्होंने हम लोगों को अंदर जाने दिया एकदम अंदर बाइक लेके, लेकिन हर किसी को जाने नहीं देते, मेरे को क्यों जाने दिया वो मत पूछना आप। आगे मौसम बहुत बढ़िया हुआ हुआ है, अगर बारिश हो गई ना तो मौसम खराब हो जाएगा, मेरी माँ बहन मत मौसम बहुत बढ़िया हुआ है। और आगे जाते ही अंकल जी बैठे होंगे हमारे साथी पर वो पूछ रहे कहाँ के हो, हम लोग क्या भाषा से कहाँ के लगते हैं भाषा से, आगे इनोवा जा रही है बताता हूँ मैं आपको, इनोवा थी बता बहुत जरूर है गोली की ये खाबा बोर्ड जाता है ये रास्ता, और हम देखे हम जिस जगह जा रहे हैं वो जैसे में सीटी जाता है वो तो घोड़ी का बच्चा, घोड़ी का बेबी, घोड़ी का बेबी। सुकून मिला है, 3 दिन बैठे इस बाइक पर बहुत हालत खराब हो गई थी, अब 2 दिन बैठे मैं और सौरभ भैया, सौरभ भैया इधर देखो, इधर देखो, तो हम 2 दिन है अभी, हम 2 अलग जाएंगे वो अलग जाएगा, टाटा चलो अड़ मुझे आलू जूस भी गाजर गाजर चालू है पूरे रास्ते चालू है।
आ गए अपने गली में। गांव की हिस्ट्री क्या है वो मैं आपको आप लोगों को अभी बताता हूँ कि इस गांव में एक सालम सिंह नाम का कोई आदमी था। यहाँ पर क्या था, राजा का नौकर था, मालूम नहीं कुछ कुछ तो था। तो वो इस गांव का मतलब गांव में कोई लड़की रहती थी, उसको पसंद करता था, लाइक करता था। मतलब वो चाहता था कि उससे वो शादी करे, और ये गांव वाले नहीं माने थे, कह रहे थे हम लड़की की शादी नहीं करवाएंगे तेरे से। वो गुस्सा हो गया, उसने बोला कि अगर तुम नहीं करवाओगे तो मैं ज़बरदस्ती लड़की को उठा के लेके जाऊँगा। और इस डर की वजह से गाँव से भाग के चले गए वो सभी गाँव वाले। एक ही रात में पूरा गाँव खाली हो गया था एक रात में। और उधर पूरे उनके मतलब जो ज्वेलरी वगैरह होती है और भी कहीं सामान होता है वो पूरा वो सब कुछ उधर रह गया उन गांव वालों का। इसलिए कहते हैं कि इधर भूत वगैरह होते हैं। तो मेरी ये मैंने भी ये सुनी है, ये जो हिस्ट्री है मैंने सुनी है। मैं कह नहीं, मैं देखो श्योर कोई चीज़ में नहीं हो सकती है, अभी बड़े बुजुर्गों से यही चीज़ सुनी है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो बस यही बता रहा हूँ, हिस्ट्री मैंने जो सुनी है उतनी मैंने बता रहा हूँ। बाकी मेरे को पूरा कुछ मालूम है नहीं, ऐसे मैं व्लॉग बनाता हूँ, पूरी हिस्ट्री नहीं मालूम, थोड़ा बहुत ही मालूम है। जितना ज्ञान मालूम था उतना आपके साथ शेयर कर दिया मैंने। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट संडे को 11 बजे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। और अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल कर लो, और क्या।